हैदराबाद उन्नाव के बाद अब एक और बेटी जिंदगी की जंग हार गई। इंसाफ की चाह के लिए मुजफ्फरपुर के अहियापुर में जिंदा जलाई गई युवती जिंदगी की यह जंग हार गई है। सोमवार की देर रात करीब 11:40 पर पटना के एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। पिछले 7 दिसंबर को मुजफ्फरपुर जिले के अहियापुर थाना क्षेत्र में रेप में विफल युवक ने अपने एक साथी के साथ मिलकर युवती को जिंदा जला दिया था। पीड़िता को बेहतर इलाज के लिए पिछले 10 दिसंबर को पटना सिटी से निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां सोमवार की देर रात उसकी मौत हो गई। युवती लगभग 95% जल चुकी थी। ऐसे में उसकी स्थिति बेहद चिंताजनक बनी हुई थी। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष दिलमणि मिश्रा ने युवती और उसके परिजन से मुलाकात भी की थी। पीड़ित के पटना आने के बाद पुलिस ने उससे मुलाकात कर बयान दर्ज किया था। पीड़िता पुलिस को मरने से पहले यह बयान दे चुकी है कि आरोपी राजा राम राय और उसके साथी ने ही उसे जलाया है। परिजन की माने तो आरोपी युवक राजा पिछले 5 वर्षों से लगातार उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहा था। परिजनों ने इस संबंध में स्थानीय अहियापुर थाने में कई बार न्याय की गुहार भी लगाई थी। परिजनों ने पूरे मामले में पुलिस को सीधे तौर पर दोषी करार देते हुए कहा कि अगर पुलिस इस मामले में कार्रवाई करती तो इस घटना को रोका जा सकता था। इस घटना के बाद पुलिस आरोपी युवक राजा को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। पीड़िता नर्सिंग की ट्रेनिंग लेकर लोगों की सेवा करना चाहती थी, लेकिन उसके सपने अधूरे ही रह गए। सोमवार की रात उसकी मौत के टूटे परिजन बार बार उसके भविष्य की भावी योजनाओं की चर्चा कर रो रहे थे। हमें इंसाफ चाहिए। हमने जो इस हालत में लाकर पहुंचा दिया है, इस तरीके का हमें उसे इंसाफ चाहिए। उसको भी इस तरीके का सजा मौत हो। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।